हेलो, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिजाइनिंग एंड टेलरिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके किनारे बेल आइकन को प्रेस करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। आज मैं मशीन के बारे में बताऊंगी, बार बार धागा टूटता है उसके बारे में। तो ये मशीन यहाँ से मतलब ये सुई है, तो इसको मतलब सीधा सीधा डालना चाहिए सुई को। तो ये सीधा, ये जो चपटा साइड है ये इस तरफ रहेगा, और जो ये राउंड राउंड है ये इस तरफ रहेगा। और सुई को अच्छे से डालना, सीधा डालना है सुई को, नहीं तो इसीलिए भी ये धागा तोड़ती है। ये दूसरा कारण है धागा टूटने का, इसमें अंदर में ये जो पाइप है इसमें यहाँ मतलब निशान बन जाता है, धार बन जाती है, इसीलिए भी ये धागा टूटता है। ये मतलब दूसरा भी मिल जाता है तो इसको चेंज कर लेना। इसको खोल के साफ भी कर सकते हैं, ऐसे घुमाते तो ये खुल जाता है पूरा। फिर इसको कपड़े से साफ करके जैसे ये है वैसे ही इसको वापस ऐसे बंद कर देते हैं। तीसरा कारण है ये शटल है, इसमें भी मतलब धागा फंस जाता है। तो ये बॉबिन केस को हम निकाल लेते हैं बाहर, ये निकाल लिया बॉबिन केस को बाहर। अभी हम इसमें देखेंगे, जैसे यहाँ पर इसमें ऐसे एक लाइन बनी हुई है, उसमें भी आप ऐसे मतलब इससे सुई से ऐसे निकाल लेना ऐसे, तो भी धागा निकल जाता है। पे भी मतलब धागा फंस जाता है तो तेल डाल के और इसको थोड़ा उल्टा घुमाना है और ऐसे सुई से करना, तो ये यहाँ से भी निकल जाता है। ऐसे उल्टा घुमाना है, फिर इसको ऐसे धीरे धीरे ऐसे सुई भी ऐसे घुमाते रहना तो निकल जाता है धागा। ये चौथा कारण है इसका, ये बॉबिन केस है तो इसकी ये पत्ती है ये घिस जाती है, ये वाली। इसको यहाँ से खोल के और आप इसको चेंज भी कर सकते हो, नहीं तो आप बॉबिन केस दूसरा भी खरीद सकते हो, ये दूसरा खरीद सकते हो। ये घिसने से फिर इसमें धागा यहाँ से कट होता है, टूट जाता है बार बार धागा, इसीलिए इसको भी चेक कर लेना। इसमें भी धार बन जाती है तो भी धागा कट होता है, तो ये दूसरी चेंज कर लेना आप। पांचवा कारण है इसमें ये प्लेट है, ये प्लेट, तो इसमें जैसे ये छेद है ये अंदर में होल, तो मैं दूसरी दिखा रही हूँ आपको। जैसे ये है, ये होल है, इसमें भी मतलब धार हो जाती है तो भी धागा कट होता है, तो ये भी आप चेंज कर लेना दूसरा। छठा कारण है ये पुट, तो इसमें भी यहाँ नीचे ये दांते होते हैं, इससे भी मतलब यहाँ धार बन जाती है तो तभी धागा कट होता है। मैं दूसरा दिखाती हूँ, ये ऐसे उल्टा करते हैं तो यहाँ पे ये ऐसे धार बन जाती है तो भी मतलब धागा कट होता है, तो ये आप दूसरा चेंज कर लेना पुट। सातवां कारण है धागा टूटने का, ये सुई है इस होल में मतलब बीच में जाना चाहिए, यहाँ टच नहीं होना चाहिए, साइड में टच होता है तो भी मतलब ये टच होगी तो धागा भी टच होगा तो कट हो जाएगा, इसीलिए ये बीच में जाना चाहिए। सुई को सही कर लेना, सुई को ठीक से डाल लेना, नहीं तो फिर मतलब दूसरी चेंज कर लेना। कभी कभी यहाँ टच होने से मतलब ये टेढ़ी भी हो जाती है सुई, या मोटा कपड़ा होने से तो भी हो जाती है, तो आप दूसरा सुई डाल लेना। ये धागा भी अच्छी कंपनी का होना चाहिए, नहीं तो मतलब कच्चा धागा हो तो टूट जाता है। तो ये धागे को आप ऐसे खींच के देखना, ये ऐसे तो थोड़ा मतलब देर से टूटता है तो पक्का है, नहीं तो ऐसे फटाक से टूट गया तो वो कच्चा धागा है। ये आठवां कारण ये है, ये नौवां कारण है ये टेंसिल है, इसको मतलब टाइट ज़्यादा ऐसे टाइट होता है तो मतलब इसी वजह से धागा टूटता है, तो इसको आप थोड़ा लूज कर लीजिएगा। और ये बोबिन है, तो ये भी मतलब बोबिन केस भी ऐसे टाइट होता है तो भी मतलब धागा टूटता है, तो आप इसको लूज कर लीजिएगा, इस साइड घुमाओगे तो लूज हो जाएगा, ज़्यादा लूज भी नहीं करना, थोड़ा सा आप चला के देख लीजिएगा। आखिरी और दसवां कारण है ये रील, इसमें स्टैंड में धागा लिपट जाना। मेरी मशीन में तो ऐसा स्टैंड है तो इसमें धागा कम लिपटता है, कभी कभी तो लिपट जाता है, और किसी किसी मशीन में ऐसा होता है तो इसमें मतलब ज़्यादा चांस रहता है नीचे में धागा लिपट जाता है। थैंक यू।